आपको बता दें जहां पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान का दौर चलेगा। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 5 बजे तक मतदान का ये दौर चलता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे के बाद मतगणना भी होगी सरपंच पद के लिए, और ये पहली बार हो रहा है जब सरपंच पद के लिए या फिर पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा हो, और ऐसे में जाहिर तौर पर सहूलियत मिलती मतदान कर्मियों को नजर आएगी मतगणना के वक्त। दूसरे चरण का पंचायत चुनाव, निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने कसी कमर। 15,334 सरपंच उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। प्रदेश में पंच और सरपंच चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। इन हजारों पंचायतों में चौपाले सज गई हैं। सक्रिय राजनीति की पहली पाठशाला में दांव चले जा रहे हैं। दूसरे चरण में 74 पंचायत समितियों की 2,312 ग्राम पंचायतों की 15,127 वार्डों में मतदान होगा। इन 74 पंचायत समितियों में 77,56,416 मतदाता भाग लेंगे, जिनमें से 40,13,220 पुरुष मतदाता और 37,43,174 महिला मतदाता भाग लेगी। 25 पर्यवेक्षक इन चुनावों पर पैनी नजर रखेंगे ताकि कोई गड़बड़ी न हो। पंच और सरपंच पद पर वोटिंग के बाद मतगणना होगी। इससे पहले दूसरे चरण के लिए 21 सरपंच और 7,466 पंच निर्विरोध चुने गए। चुनावों में 11,000 से ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल होगा, तो वहीं हर जिले में इंजीनियर भी मौजूद रहेंगे ताकि खराब ईवीएम का तुरंत समाधान हो सके। बहरहाल लोकतंत्र के इस पर्व में ग्रामीण स्तर पर पंच सरपंचों ने पूरी ताकत लगा दी है। जयपुर से जी मीडिया के लिए भरतराज की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। प्रशासन की तरफ से अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा जाब्ता तैनात किया गया है। आप इन 6 तस्वीरों में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों को साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर कल के दिन, क्योंकि कल फाइनल रिहर्सल का दिन था और ऐसे में मतदान केंद्रों के लिए जो पोलिंग पार्टीज थी वो अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना हुई थी चुनाव सामग्री के साथ। इस दौरान निर्देशित भी किया गया था, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी थी और व्यवस्थाओं की जो जिम्मेदारी थी आज इन तमाम मतदान कर्मियों के कंधों पर रहने वाली है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में इसी तरह की तैयारियां आज देखी जा रही है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आज दूसरे चरण के तहत पंचायत चुनाव को लेकर मतदान होने वाले हैं, तैयारियां अगर बात करें, क्योंकि लंबे समय से चल रही थी, कल फाइनल रिहर्सल की तस्वीरें भी जी राजस्थान ने लगातार दिखाई, लेकिन आज चूंकि खुद परीक्षा की घड़ी है प्रत्याशियों के लिए भी और साथ ही मतदान कर्मियों के लिए भी, जो कि लगातार तैयारियां कर रहे थे, व्यवस्थाएं क्या नजर आ रही है? देखिए, लोकतंत्र का आज उत्सव है। उस लोकतंत्र के उत्सव में 77 लाख से ज्यादा मतदाता इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने वाले हैं। यानी कि अब केवल 1 घंटे का समय शेष है, जब ये लोकतंत्र के उत्सव का है वो आगाज होगा और शाम 5 बजे तक ये लोकतंत्र का उत्सव है वो चलेगा। राजस्थान की हम बात करते हैं तो 2312 ग्राम पंचायतों में आज गांव की सरकार चुनी जाएगी, जिसमें 77 लाख से ज्यादा मतदाता है वो मोहर लगाएंगे और गांव की सरकार को चुनेंगे। सभी की प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि गांव की सरकार का मुखिया कौन होगा, भागम भाग थी, 8 दिन का समय मिला प्रचार प्रसार का और अब बारी आ गई है उस परीक्षा की, जब उसमें पास या फेल होना है।
हम राजस्थान और जयपुर की यदि हम बात करते हैं तो जयपुर की गोविंदगढ़ और सांगनेर पंचायत समिति की 80 ग्राम पंचायतों में ये इलेक्शन होना है। पोलिंग पार्टियां हैं, उन्होंने कल शाम को अपना अपने मतदान केंद्रों पर मोर्चा संभाल लिया था। हम गोविंदगढ़ की जैतपुरा ग्राम पंचायत में हैं, जहां पर पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंच चुकी हैं, मोर्चा संभाल लिया है। मॉक पोल है क्योंकि एक घंटे पहले यानी कि 8 बजे से जब मतदान शुरू होगा, जब 7 बजे से मॉक पोल है वो शुरू हो जाएगा, एजेंटों के सामने जो ईवीएम है उसमें कुछ मत्र वोट डाले जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा क्या ईवीएम बिल्कुल सही है या नहीं है। इन तमाम चीजों को देखने परखने के बाद 8 बजे है, एजेंटों की मोहर लगने के बाद 8 बजे अब जो मतदान है वो शुरू कर दिया जाएगा। ये तमाम व्यवस्था है, वो पोलिंग पार्टियां उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। और वार्ड पंच का जो चुनाव है वो मतपत्र से होगा और जो सरपंच का चुनाव है वो ईवीएम से होगा। ये पोलिंग पार्टियां हैं जिनके आज दिन भर जिनके कंधों पर इस चुनाव की जिम्मेदारी है। कल इनको फाइनल रिहर्सल दिया गया, ट्रेनिंग दी गई, इनको पूरा पाठ पढ़ाया गया कि किस तरह से उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए ये पोलिंग पार्टियां हैं वो मुस्तैद हैं। ये ईवीएम के लिए लगाई गई है जहां पर अब जो मतदाता है अपने वोट का कास्ट कर सकेगा, और ये वार्ड पंची के लिए है जहां पर जो वार्ड पंची का जो वार्ड पंच है उसका भविष्य है कैद होगा, और ईवीएम के अंदर सरपंच का भविष्य है वो कैद होगा। वैसे हम जानना चाहेंगे आप पीओ फर्स्ट है? यस सर। क्या काम रहता है आपका बीसी? सर मतदाता आएगा, मतदाता सूची में उसका क्रमांक देखना है सबसे फर्स्ट, और उसका नाम जोर से बोलना है, फिर उसकी पहचान हो जाएगी, पहचान सुनिश्चित होने के बाद में आगे नेक्स्ट स्टेज पे भेजना है उसको। कई बार टेंडर वोट की स्थिति आ जाती है, दूसरा मतदाता उसके दूसरे व्यक्ति का जो असली मतदाता उसका वोट डाल देता है, उस परिस्थिति में क्या करते हैं? सर उसको टेंडर वोट्स हैं हमारे पास में, तो वो पीओ साहब के पास भेजेंगे टेंडर वोट्स के लिए, तो टेंडर वोट्स दे देंगे। आपका क्या काम है सर? मेरा मैं पीओ 2 हूँ सर, और मेरा काम है जैसे ही पीओ 1 मेरे पास में पर्चे लेके भेजेंगे, मैं मतदाता को उसमें उसके जो नामावली में जो क्रमांक है वो क्रमांक इसमें लिखूंगा, और निर्वाचक के जो उसके हस्ताक्षर करवाऊंगा, और वो जो भी पिक उसके पास में जो भी आईडी होगी मैं उसके 4 डिजिट इसमें लिखूंगा। ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार रजिस्टर और जो ईवीएम है उसमें मेल मिलाप नहीं होता है, वोट गटपट जा जाते हैं? नहीं सर, ऐसी स्थिति आने नहीं देंगे सर, आने नहीं देंगे। सर आपका क्या काम रहता है बेसिक? सर बेसिकली मेरा काम एक तो बैलेट जारी करने का होता है ईवीएम में, एक ये पेपर बैलेट भी जारी करने का वार्ड पंच के लिए, और एक इसमें इसका सीरियल नंबर लिखना पड़ता है। अच्छा ठीक है। और एक जो पर्चियां आती है बाहर से उसको यहाँ लगा के इकट्ठा करना पड़ता है। ये थर्ड है, फोर्थ बता दीजिए। नहीं सर पीओ 4 में पीआर हूँ सर मैं। तो मेरा काम इसके अंदर ये है कि जो भी कोई जैसे मॉनिटरिंग काम, मैंने काम से मॉनिटरिंग इसके अंदर सील वगैरह लगवाना है, ये काम करना है मेरे इसके अंदर, और फॉर्म वगैरह मॉक पोल के हैं, पीड़ा अधिकारी डायरी वगैरह ये सारे काम कम्प्लीट ये करना है। यदि कोई विकलांग आता है, नेत्रहीन आता है, उसको किस तरह से वोट कास्ट करना है? उसकी मैं सहायता करूंगा सर, मैं अंदर लेके आऊंगा और आराम से डलवाऊंगा वोट उसके अंदर। हाँ। साथ में किसी को आने नहीं देंगे, दूसरे किसी को इस बार आप ही डलवाएंगे? हाँ, मैं डलवाऊंगा उनके साथ में आकर के। अच्छा ठीक है। देखिए ये प्रक्रिया जानी है और ये तमाम व्यवस्था है वो माकूल है, और जहां पर जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है जहां पर अतिरिक्त जाप्ता पुलिस का लगाया गया है, इसके साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, यानी कि सबकी नजर है आज के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के ऊपर, क्योंकि राजस्थान के अंदर 3 फेज के अंदर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतें अभी इफेक्टेड है जिनको इंतजार है चुनाव का कि कब उनमें चुनाव होगा, लेकिन आज की तैयारी पूरी है, शाम 5 बजे तक ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। उसके बाद यदि कोई मतदान केंद्र तक 5 बजे तक पहुंच जाता है और लंबी कतारें रहती है, जब तक वो अपना वोट कास्ट नहीं करेगा तब तक मतदान प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, यानी कि 5 से कह सकते हैं कई ज्यादा वोटर्स हैं कि ग्राम पंचायतों में, बड़ी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर संभावना है कि देर रात तक जो चुनाव की की जो प्रक्रिया है वो चल सकती है। तो ऐसे में जो कुछ ग्राम पंचायतें जहां बड़ी है देर तक चुनाव चल सकते हैं, मतदान हो सकते हैं, वहां परिणाम देरी से आएंगे, लेकिन इस बार जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जोगाराम ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि पहले जिस तरीके से फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुए थे उसको थोड़ी सी सबक लेते हुए जो कर्मचारियों की संख्या है उसकी थोड़ी बढ़ाई गई है। यदि कई जगह पर लाइन लगती है या कर्मचारी अपनी व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पाते हैं, वहां पर जो अतिरिक्त जो कर्मचारी हैं जो रिजर्व में रखे गए हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा, और इसके साथ ही जो परिणाम है पहले सरपंचों की मतगणना होगी, उसके बाद वार्ड पंच की यहाँ पर मतगणना होगी। पिछली बार वार्ड पंच की पहले मतगणना हो गई थी और सरपंच का रिजल्ट आ गया था, लेकिन इस बार पहले सबसे पहले सरपंच की मतगणना होगी, उसके बाद वार्ड पंच की होगी।